भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। बता दें आपको कि सीरीज शुरू होने से ठीक पहले मैदान पर जाने से पहले जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जी हां, दरअसल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टीम इंडिया का जमकर मजाक उड़ाया है। जी हां, रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीतेगा। पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस में मौका होगा क्योंकि भारतीय टीम कंडीशन से अडेप्ट नहीं कर पाएगी, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को उठाना पड़ेगा। साथ ही पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि टीम के शानदार ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा विराट कोहली से ज्यादा रन बनाएंगे। पॉन्टिंग ने इसका रीजन भी बताया कि उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे में वो विराट से बेहतर बल्लेबाज माने जाएंगे इस सीरीज में। यानी कि पॉन्टिंग की प्रेडिक्शन के हिसाब से विराट उस्मान ख्वाजा से पीछे रहेंगे। हालांकि शायद पॉन्टिंग ये भूल गए हैं कि विराट की फॉर्म इंग्लैंड में कैसी थी और विराट किस तरह के शानदार फॉर्म में चल रही है, ये ऐसा अभी तक देखा नहीं है पॉन्टिंग ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मजाक उड़ाना ऑस्ट्रेलिया को क्या भारी पड़ता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष के।